विकास चंद्र गुड्डू बाबा, गंगा में लावारिस लाशें नहीं फेंकी जाए, इसकी शुरुआत 98 में की गई। आंदोलन के 25 साल हो गए, आज भी मेरे मन में पीड़ा है कि क्या यह देश गंगा नदी में एक बूंद पानी सीवरेज का नाले का जाने से रोक पाया है क्या? विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा गंगा बचाव अभियान से जुड़े हैं। पीएमसीएच के पीछे सैकड़ों लाशें पाई गई थी। इस मामले को लेकर पहली बार गुड्डू बाबा ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, तब से वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। इनका मुख्य काम लावारिस लाशों को खुद निकालना, पॉलिथीन निकालना, गंदगी की सफाई करना है। 16 मार्च 2001 से लेकर अब तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने लावारिस लाशों को गंगा में फेंकने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी।